जी अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू करते हैं एफएमसी का जिंक स्टार। जिंक स्टार काफी लोग इसको जानते होंगे, ब्रांड है, एफएमसी का प्रोडक्ट है, अमेरिकन कंपनी है और इसका इसको क्रॉप सप्लीमेंट भी बोलते हैं। एफएमसी 3 kg की ये पैकिंग है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं जिंक, इसमें 27% इसके अंदर जिंक है। 3 kg की ये पैकिंग है। इसका रिव्यू करते हैं, इसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। फ्रेश स्टॉक इसका अवेलेबल हुआ है। तो ये जिंक स्टार जिंक गजाइत का जरूरी अंसर है। जिंक का किरदार पौधों में ऑक्सीजन की पैदावार है। जिंक के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा होता है। अच्छा, जिंक से पैदावार में इजाफा कैसे होता है? जिंक में पैदावार में इजाफा इस तरह होता है कि अगर जिंक की कमी हो तो जो पत्ते होते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, और जब पीले होना शुरू होते हैं तो जो दूसरी खादें हमने डाली होती हैं मसलन फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, पौधा उनको भी सही तरह से इंटेक नहीं करता, जिसकी वजह से पैदावार में बहुत ज्यादा कमी आती है। तो मुख्तलिफ फसलों के ऊपर जिंक स्टार के इस्तेमाल की सिफारशात इन्होंने दी हुई है। बात करते हैं चावल की फसल। लाभ लगाने के 15 दिन के अंदर 7.5 किलोग्राम बजरिया छटा। अच्छा, ये तो इन्होंने एक जनरल बात कर दी है कपास, आलू, मकई, गन्ना और गन्नम पर, पहले पानी पर। तो लेकिन ये है कि ये अगर आप फोल्ड करते हैं तो इसके 2 बैग डालें, अगर नहीं करते तो कम से कम 1 बैग आपने पहले पानी पे किसी भी फसल के या चावल की फसल के लाभ लगाने के 15 दिन के अंदर अंदर 1 बैग कम से कम लाजमी यूज करना है, वरना 2 बैग इसका यूज करें पूरे रिजल्ट के लिए। और उसके अलावा अगर बात करें हम खरबूजा, मिर्च, प्याज और सब्जियात की, फूल आने से पहले आप ये यूज कर सकते हैं। तो जो तरशावा फल है, आम, सेब, अमरूद और दीगर बागात, फूल आने से पहले तो 100 ग्राम फी पौधा आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फास्फोरस वाली खाद, मसलन DAP, इसकी खास ये नोट देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है फास्फोर वाली खाद मसलन DAP वगैरह के साथ मिलाकर ना डाला जाए, बल्कि दोनों के इस्तेमाल में 15 दिन का वक्फा जरूरी है। अब ये क्योंकि चिलिटेड जिंक नहीं है, ये दूसरा जिंक है, जिंक सल्फेट जिसे हम बोलते हैं, तो ये फास्फोरस वाली खाद के साथ आपने मिलाना नहीं है, बल्कि 15 दिन का वक्फा रखना है दोनों में। मतलब अगर आपने आज DAP डाली है तो 15 दिन के बाद जिंक को यूज करें, और अगर आपने जिंक डाल दिया है तो फिर जो फास्फोरस वाली खाद है, नाइट्रोफॉस, DAP या फास्फोरस वाली कोई खाद है, तो 15 दिन का वक्फा लाजमी रखें। ये किसान का .pk पे अवेलेबल हो चुका है और FMC के किसी ऑथेंटिक डीलर से भी आप लेके यूज कर सकते हैं। शुक्रिया।